हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 अब अपने लीग स्टेजेस के कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है और आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स के लिए अभी भी काफ़ी सारी टीमों के बीच में हमें कंपटीशन लगातार देखने को मिल रहा है। कल हमने आईपीएल 2020 में देखा मैच नंबर 49, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। लेकिन उनकी जीत से ना सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है, बल्कि इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी टीमें जिनको इनकी हार से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की हार की वजह से अब कौन सी वो टीमें जो कि प्लेऑफ्स के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि कौन सी वो टीमें हैं जो अब हमें टॉप फोर की रेस से बाहर होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया और उसके साथ ही उन्होंने काफी सारे यहाँ पर अच्छे काम किए, जिसके लिए बाकी टीमें उन्हें थैंक्स बोल रही होंगी। सीएसके की टीम को हालांकि इस जीत से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अभी भी चेन्नई की टीम 8th पोजीशन पर है। 13वें मैच में इनकी 5वीं जीत थी, जिसमें इनके 10 पॉइंट हो गए, नेट रन रेट -0.53 का है। लेकिन गाइज, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपनी रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7th पोजीशन की, और यहाँ पर नाम निकल कर आता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का। 12 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 5 मैचेस इन्होंने भी जीते हैं, 10 इनके भी पॉइंट्स हैं। लेकिन क्योंकि सीएसके से एक मैच कम खेला है और इनका नेट रन रेट है -0.5 का, यही वजह है कि आरआर की टीम के पास अभी भी प्लेऑफ्स में जाने का पूरा पूरा चांस है। लेकिन इसके लिए इन्हें दूसरी टीमों पर भी यहाँ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। 6th पोजीशन पर नाम निकल कर आता है एसआरएच की टीम का। 12 मैच खेले हैं, 5 मैचेस जीते हैं, 10 इनके पॉइंट्स हैं और अगर इनके नेट रन रेट की बात की जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स से कहीं ज्यादा ऊपर नजर आ रही है कॉम्पिटिशन में। +0.4 इनका नेट रन रेट है, लेकिन अपने दोनों ही मैचेस इनको भी जीतने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं 5th पोजीशन की, और यहाँ पर नाम निकल कर आता है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का। एक काफी इंपॉर्टेंट मैच केकेआर की टीम यहाँ पर हार गई और एक बार लग रहा था कि केकेआर की टीम आसानी से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अब केकेआर की हालत काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही है। 13 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं, 12 इनके पॉइंट्स हैं, लेकिन गाइज अगर नेट रन रेट की बात की जाए तो वो आता है -0.47 और अब ऐसे में इनको अपना आखिरी मैच किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा और वो काफी बड़े मार्जिन से भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि इनका नेट रन रेट काफी ज्यादा खराब है। अब गाइज हम बात करते हैं टॉप 4 स्पॉट्स की, और 4th नंबर पर नाम निकल कर आता है केएक्सआईपी की टीम का, जो कि काफी ज्यादा खुश होगी केकेआर की इस हार से, क्योंकि अभी भी केएक्सआईपी के पास 16 पॉइंट्स का चांस बना हुआ है। लेकिन केकेआर ने उस हार के बाद अपने आप को एसआरएच और आरआर वाली पोजीशन में खड़ा कर दिया है। पंजाब ने 12 मैच खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं, 12 इनके पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, -0.1 का इनका रन रेट है। और ऐसे में जिस तरह की फॉर्म में केएक्सआईपी चल रही है, 2 मैच से 1 मैच तो ये जीत ही जाएंगे, तो ऐसे में अगर इनका नेट रन रेट अच्छा रहता है तो केएक्सआईपी की टीम बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब वो प्लेऑफ्स में आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं 3rd पोजीशन की, और यहां पर नाम निकल कर आता है दिल्ली कैपिटल्स का। 12 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस जीते हैं, 14 इनके पॉइंट्स हैं, +0.03 का इनका नेट रन रेट है। और अगर हम बात करें 2nd पोजीशन की, तो यहां पर नाम निकल कर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। 12 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस जीते हैं, 14 इनके भी पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स के जैसा ही है, थोड़ा सा बेटर है, +0.04 का इनका नेट रन रेट है। तो ये जो दोनों टीमें हैं, इनको कोलकाता नाइट राइडर्स की हार से काफी बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि केकेआर की टीम अब मैक्सिमम 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। लेकिन गाइज, केकेआर का जो नेट रन रेट है वो आरसीबी और डीसी से काफी ज्यादा खराब है, तो ऐसे में अब ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर आरसीबी और डीसी बहुत ज्यादा खराब नहीं खेलती हैं तो इवन अगर ये हार भी जाती हैं तो भी इनका नेट रन रेट केकेआर से बेटर ही रहेगा। और ऐसे में ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि आरसीबी और डीसी भी क्वालिफाई करने की पोजीशन में नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं 1 पोजीशन की, और यहां पर आती है एमआई की टीम। एमआई की टीम को एक जो ऑफिशियली बोला जाता है कि एक क्वालिफाई का जो साइन आ जाता है वो उनके ऊपर कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के बाद आ गया, क्योंकि अब कोई भी इक्वेशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी रिजल्ट हो, कुछ भी नेट रन रेट हो, मुंबई इंडियंस की टीम पहली टीम बन चुकी है जो कि क्वालिफाई कर चुकी है। 12 मैच में 8 जीत के साथ 16 पॉइंट है, नेट रन रेट है +1.1 का। और गाइज, मुंबई इंडियंस वो टीम भी बन चुकी है जो कि टॉप 2 में यहां पर रहने वाली है, क्योंकि 16 पॉइंट्स अगर इनके रहेंगे तब भी इनका नेट रन रेट इतना ज्यादा अच्छा है कि टॉप 2 पर ही एंड करने वाले हैं। तो ये थी कंप्लीट पॉइंट्स टेबल कोलकाता नाइट राइडर्स की हार और चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के बाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस को कौन सी वो 3 टीमें हैं जो कि ज्वाइन करने वाली हैं प्लेऑफ्स में। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।